आई वुड लाइक टू कम ऑन द स्पेसिफिक्स ऑफ माइनॉरिटीज सर. सो बिफोर गोइंग ऑन द स्पेसिफिक्स ऑफ द माइनॉरिटीज, मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा बोलने से पहले कि रियासत तेलंगाना की तश्कील की जिद्दोजहद की वजहें बहुत सारी थी, जिसमें बेरोजगारी थी, जिसमें हमारा पैसा दूसरे हिस्से में जाकर लगता था, हमारी नौकरियों को छीना जा रहा था, हमारा पानी चला जा रहा था, खुशहाली वो तरक्की नहीं आ रही थी, हमारी ज़िराअत सिफर के बराबर हो चुकी थी, मुलाजिमत में तनासुब कम हो चुका था, कई सारी नाइंसाफियां थी जिसकी वजह से तेलंगाना का एहतजाज किया गया. लेकिन यह भी एक हकीकत है कि इस तेलंगाना के एहतजाज और नाइंसाफी का ये एक हिस्सा था, तो दूसरा तेलंगाना के साथ नाइंसाफी का एक हिस्सा मुसलमानों के साथ भी था कि तख्त ताज लुटा, इज्जतें लुटी, इस्मतें लुटी, जागीर लुटी, मनसब लुटी, हमारे सब कुछ लुट गया, और उसके बाद में हम अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करते रहे तो हमारे साथ भी नाइंसाफी हुई. हमारे अमलाक को लूटा गया, हमारी जायदादों को लूटा गया, जागीर एबॉलिशन एक्ट के जरिए हजारों नहीं लाखों एकड़ आराजी छीन ली गई, अर्बन लैंड सीलिंग के नाम पर हजारों लाखों एकड़ जमीन छीन ली गई, एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग एक्ट के नाम पर भी हमारी जमीनात छीन ली गई, इनाम एबॉलिशन एक्ट के जरिए भी जमीनात छीनी गई. मुसलमान कस्म पुरसी के आलम में था, परेशानी के आलम में था, जो महलात में रहता था सुबह का सूरज निकला वो फुटपाथ पे आ गया और बंडी और रक्षा ढकेलने पे मजबूर हो गया. वहां से हमने भी अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया, मजलिस ने अपनी जिद्दोजहद का आगाज किया, और मजलिस ने हर वक्त, ये लोग समझते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमान की बात करती है, नहीं, हम सबकी बात करते हैं, हम सबकी बात करते हैं, मुसलमान की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, बीसी की बात करते हैं, एससी की बात करते हैं, एसटी की बात करते हैं, क्रिश्चियंस की बात करते हैं. आज जो कल एक बिल लाया गया जैंस को माइनॉरिटीज में लाने के लिए, इसका मुतालिबा भी मजलिस ने किया था. तो मजलिस सबके मसाइल की आवाज उठाती है, मजलिस सिर्फ अपनी बात नहीं कहती, लेकिन इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता, जो लोग हम मजलिस को या मुसलमान को आज यह समझ रहे हैं कि हम अनटचेबल्स हैं और हमको दूर रखते हैं, हमको करीब नहीं लाते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि 70 बरस की मुसलमानी मुसलमानों की नाइंसाफी के जिम्मेदार भी आप हैं. यही लोग हैं, ये कांग्रेस है जिसने मुसलमानों को आजादी से लेकर आज तक 50,000 फिसादात का तोहफा दिया, हमारी लुटी हुई इस्मतें दी, आबरू दी, जलते हुए आशियाने दिए, हमारी खून को बहाया 50,000 फिसादात में, कभी मलियाबाद में, कभी कभी अजमेर में, कभी भिवंडी, कभी भागलपुर, अरे कई ऐसे चीजें हैं, वो अलग बात है कि कभी हम फिसादात के जरिए जलते रहे, लुटते रहे, तबाह होते रहे. तो आज घर वापसी, लव जिहाद, बीफ बैन या अजान या फिर दूसरों के नाम पर भी हम मर रहे, मिट रहे हैं, लेकिन हम किसी से खायफ नहीं, हम किसी से डरे हुए नहीं है. हाँ, ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा. हम इस मुल्क के हिस्सेदार हैं, हम इस मुल्क के मालिक हैं, हम इस मुल्क के किराएदार नहीं हैं. हम मुसलमान इस मुल्क के किराएदार नहीं हैं. हमारे हक को छीना गया, हक तलफी की गई, नाइंसाफी की गई, कभी ताड़ा के नाम पे जेल में डाला गया, कभी पोटा के नाम पे जेल में डाला गया, कई नामों से हमको जेलों में डाला गया. आज भी हिंदुस्तान की जेलों में सबसे ज्यादा अगर कोई है तो वो मुसलमान है. तो इंसाफ की बात करने वालों, तुमने क्या इंसाफ दिया? अरे हम पे तनकीद करने वालों, हमको बी टीम कहते हो, अरे हम किसी की बी टीम नहीं है, और बिलखुसूस हम उसकी बी टीम बन जाएंगे जो मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं, जो मुल्क की सरहद की हिफाजत में नाकाम हो रहे हैं, जो मुल्क की इकॉनमी को तबाह कर रहे हैं. हम उनके टीम के मेंबर नहीं है, हम मेंबर हैं तो मुसलमानों के. हम बात करते हैं मुसलमानों की तो इसलिए करते हैं स्पीकर साहब कि सबसे कमजोर, सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे पीछे, सबसे आखिर अगर कोई है तो वो मुसलमान है. भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कि मेरा नाम अकबरुद्दीन ओवैसी, एक एमएलए की हैसियत से
इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से मेरी जिम्मेदारी क्या है? जो कमजोर है उसका हाथ थामो, मेरी जिम्मेदारी क्या है? जो पीछे है उसका हाथ थामो, मेरी जिम्मेदारी क्या है? जो आखिर में उसका हाथ थामो, आखिर को पहला बनाऊं, कमजोर को ताकतवर बनाऊं, पिछड़े हुए को आगे बढ़ाऊं। आज मुसलमान पीछे है इसलिए मजलिस मुसलमान की बात कर रही है, कल को अगर कोई हिंदू पीछे हो जाएगा, पिछड़ जाएगा, कमजोर हो जाएगा, तो अल्लाह की कसम मजलिस और अकबर ओवैसी वो कमजोर हिंदू का हाथ पकड़ेगा, उसके लिए आवाज बुलंद करेगा, उसकी खुशहाली के लिए आवाज बुलंद करके लड़ेगा। हम सबके लिए काम करते हैं और आज तेलंगाना की कामयाबी खुद यह सबूत है कि मजलिस की कामयाबी की। तेलंगाना हुकूमत आज काम कर रही है तो हमारा मुकम्मल तआवुन आपके साथ है।